अगर आपने अभी तक सिर्फ पेंसिल स्केचेस बनाए हैं और कलरफुल पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हो तो ऑयल कलर आर द बेस्ट टू स्टार्ट कलरफुल पोर्ट्रेट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेमो दूंगी ऑयल कलर पोर्ट्रेट का। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज श्रुति। आज का डेमो ऑयल कलर्स के लिए है। ऑयल कलर्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं बनने के बाद, बिकॉज हम स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर क्रिएटिव वर्क्स ही करते हैं। तो क्रिएटिव वर्क्स हम या तो एक्रेलिक कलर्स का यूज करते हैं, पोस्टर कलर्स का यूज करते हैं, और स्कूल टाइमिंग में तो हमारे पास आर्टिस्ट वाले वाटर कलर्स नहीं होते हैं, वो सब हम वर्क ओपेक में करते हैं। सो वाटर कलर करना काफी टफ हो जाता है, तो इसलिए ऑयल कलर्स एज अ बिगिनर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। डेमो में मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, इसलिए मैं सभी आपको फेस टू फेस ही बता रही हूँ कि अगर जब भी हम ऑयल वर्क करते हैं तो उसमें तीन चीजों का यूज होता है, ऑयल कलर्स, लिंसिड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल आप यूज कर सकते हो, या कैरोसिन ऑयल भी यूज कर सकते हो। कैरोसिन ऑयल ब्रशेस को साफ करने के लिए होता है, जैसे कि हम वाटर कलर्स में और पोस्टर कलर्स में वाटर का यूज करते हैं ब्रशेस क्लीन करने के लिए, वैसे हम ऑयल कलर्स में कैरोसिन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं ब्रशेस को क्लीन करने के लिए, और लिंसिड ऑयल का यूज करते हैं हम पेंटिंग करने के लिए। बिकॉज ऑयल कलर्स ऐसे होते हैं कि आपने एक हल्का सा भी अगर आपने ब्रश में लिया है तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। लाइक अगर आप वाटर कलर लेते हो तो शीट पे आपने जहां लगाया, अगर आपने शीट को वेट कर रखा है तो वाटर कलर स्प्रेड हो जाएगा, अदरवाइज आपकी शीट पे वही की वही रुक जाएगा। ऐसे ही एक्रेलिक में होता है, इवन एक्रेलिक तो एक बार जहां लग गया वो स्प्रेड होने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट ऑयल कलर्स में ऐसा नहीं होता है। ऑयल कलर्स को अगर आपने एक जगह एक बार लगाया तो आप एक दो दिन बाद भी इसमें मिक्सिंग कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कहीं से कोई भी लाइन खराब लग रही है, ये ऑयल कलर का एक प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और कलर पेंसिल्स की वजह ब्रश का यूज करके आपको कलरफुल पोर्ट्रेट बनाने हैं, सो ऑयल कलर्स आर द बेस्ट। और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, जैसे कि वाटर कलर, एक्रेलिक, पोस्टर और ऑयल कलर्स, उन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी हम डेमो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी ऑयल कलर्स में वर्क कर सको। बहुत बहुत इजी होता है एज एन आर्टिस्ट ऑयल कलर करने में, आपको बहुत मजा आएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
आपको आज का डेमो अच्छा लगा होगा। डेमो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फेलो आर्टिस्ट को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले ऑयल कलर में वर्क करने की। वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज हम हर मीडियम में हर स्टाइल में वर्क करते हैं और मैं अलग अलग तरह के आर्ट वर्क्स लाती रहती हूँ, नॉलेज भी शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप इम्प्रूविंग एंड बाय।